स्कूल को लेकर काफी बातें हुई कि इवन ऑन सोशल मीडिया पोस्ट ना कॉन्ग्रेचुलेशन ना कुछ, क्यों ये जरूरी है? तो ये इसने कहीं कोई पिक्चर से रेफरेंस निकाला आज बता रहा है ना मेरे को? पता चलेगा कौन था ये बताने वाला हमारे दोस्त, पकड़ो सबके कान साथ। और मेरे लिए खाना जितना जिंदगी में इम्पोर्टेंट है उतना करण। स्वागत है आप दोनों का टेली चक्कर पर। Thank you very much. सबसे तो बहुत बहुत बधाइयाँ। मैं करण से पूछना चाहूंगा, इनसे हम बहुत मिलते हैं और इनसे हमने बहुत बातें की हैं। एक नागिन से शादी करने का फैसला कितना डेंजरस या डरावना था? फैसला 13 साल पहले ले लिया था कि शादी करूं नागिन। हाँ, नागिन ये बाद में बनी। That's nice. Yeah. She gave us that kind of answers. तो अब हमें पता चल गया कि कितने ज़्यादा ट्यूशन चल रहे हैं आपके। I can vouch on this. हो सकता है मैंने ट्यूशन दिया। करण ये करता है। मैंने कहा ना ये जितना काम कंपोज्ड ऐसा ज़ेन मोड वाला आदमी लगता है, भाई ये उल्टा है। पूरा उल्टा है। पूरा उल्टा। अच्छा मुझे करण आप बताइए, जब आप देखते हो पहले सुरभि को तो सबसे पहले क्या देखते हो और क्या पसंद आता है? जैसे हम गरीब लोग उनके आंखें देख के दो बार भूल जाते हैं अपने सवाल। मुझे अपनी शक्ल दिखती है ना। I see a reflection of myself in her. अभी 13 साल हो गए ना तो इतना इंडल्ज हो गए हैं। हाँ, लंबा टाइम हो गया। सो जब मैं इनको देखता हूँ तो मैं अपने आप के अलावा किसी बारे में नहीं सोच पाता हूँ। I think it's the same for her. What about you? क्या पहले देखते हो और क्या What you said, if it is, अगर वो ठीक से समझाओ तो बड़ी अच्छी बात है। Yes. But इसके में ये जो इसने समझाया ना वो मैं actually समझा भी नहीं पाऊंगी because मैं समझ गई what he is trying to say. मैं आपने कहा 13 साल बाद इनमें क्या देखती हूँ? नहीं या पहले से अभी तक कि एक चीज मैंने करण आपके सामने आ जाता है तो पहला क्या दिखता है और लाइक अरे यार ये मेरा ही तो है। यार करण की ना इतनी अच्छी क्वालिटीज है ना, मतलब मैं जब भी ना इफ आई एम सल्किंग, अगर मेरे सामने खाना या करण रख दो तो मैं बहुत खुश होती हूँ। माई हैप्पी पिल, आई कॉल हिम वेरी स्वीटली दैट ही इज माई हैप्पी पिल। देर इज ही गिव्स मी सो मच हैप्पीनेस। आई थिंक द वर्ल्ड इज दैट आई फील द मोस्ट सिक्योर इफ एवर इज विद हिम। लोग बोलते ना आप अपने पापा के साथ सबसे ज्यादा सिक्योर फील करते हो, राइट? योर फादर योर वर्ल्ड। After father, it has to be Karan. I feel the most secure. Well, he's my secure place. He's my happy pill. For me, it's like I see home in him. And my caption was also when our marriage, that finally home after 13 years. And genuinely, he's my home. He's my everything. मुझे लगा she's going to say कि खाना और करण दे दो तो मैं दोनों को खा जाऊंगी वाला चीज़। होता वैसा ही है। हम दोनों खाने के बहुत शौकीन भी हैं और हमें खाना भी बहुत पसंद है। और मेरे लिए खाना जितना जिंदगी में इम्पोर्टेंट है उतना करण ऑफकोर्स ज्यादा है, बट या इक्विवेलेंट टाइप्स। ओके, क्यों छुपाया था इतने सालों से? इतना प्यार था। छुपाया नहीं था बट एक एफर्ट नहीं थी कि सामने होके बताने की जरूरत है। क्यों? जरूरत नहीं थी क्योंकि लगी नहीं जरूरत। हमारे फ्रेंड्स को सबको पता है हु वर इन अटेंडेंस ऑफ माय वेडिंग। दे हैव नोन सिंस फॉरएवर, जब से मैं इंडस्ट्री में उनको पता ही है कि ही इज माय ओनली। इशिक बास के साइड पे थोड़ी थोड़ी आती थी बट वी लाइक नहीं यार कम ऑन नहीं यार। हां ना पता चलेगा कौन था ये बताने वाला हमारे दोस्त, पकड़ो सबके कान साला। सो या बिकॉज़ वी नेवर वांटेड इट टू गो आउट, पता नहीं उसके बाद सोचा भी नहीं। एंड अब जब बाहर आया ना तो मुझे नहीं पता था कि कैसा रिस्पॉन्स आएगा लोगों का। Look, to, मतलब, they've accepted Karan with open arms and I want to thank the media genuinely. I mean, आप कभी-कभार सोचते हो कि पता नहीं how they will feel because I'm from the industry, he's not. I think I see that love from them now also. Karan bhai, इसका aura वैसा है। जल्दी वो जीजा भी बन जाएंगे। क्यों बन जाएंगे? बन गए ना? They will start calling him जीजा। भाई ठीक है, अच्छा लगता है। जीजा becomes थोड़ा सा too formal also. I don't want to feel old. Oh, what is the best part and what is the worst part to marrying, to dating an actress? Very honestly, मैंने actress से शादी नहीं की है, मैंने सुरभि से की है because I've known her when she was not an actress. And उसी लड़की के साथ मैं आज भी हूँ because she hasn't changed. So एक acting का उसकी life में आना hasn't changed her at all. She's still the same. So it doesn't, I mean, वो एक इनका career है but it doesn't affect me. Very honestly.
सुरभि, मैं आपसे जानना चाहूँगा, नकुल को लेकर काफ़ी बातें हुई कि शादी में तो नहीं पहुँचे, खैर वो कहीं बिजी होंगे, बट नॉट इवन ऑन सोशल मीडिया पोस्ट, ना कॉन्ग्रेचुलेशन ना कुछ। क्यों ये ज़रूरी है करना? नो, व्हाई ही इज मैसेज्ड अस पर्सनली, व्हाट इज व्हाई दिस एवरीथिंग हैज टू बी कि चलो इसने इसके लिए बर्थडे पोस्ट डाला तो मतलब, और नहीं डाला तो चीज़ें ठीक नहीं है क्या यार? मतलब भाई, कैन वी कम आउट ऑफ इट? Somebody who's married right now, think wish. क्यों married ही क्यों? हर किसी के लिए wish well for each other. Everybody. Why one person? Everybody. All my friends, whoever I follow, they follow me. Everybody's wished us well. Why one person? है बिचारे को फालतू क्यों? To his defense, I think he's messaged us congratulating for the wedding. And that's what we need. We need everyone's blessings. Everybody will have to understand, and they have understood that we couldn't have them at the wedding. एक बहुत ही छोटी सी गेस्ट लिस्ट बनाई थी हमने, और सबके ब्लेसिंग्स चाहिए थे हमें, जो मिल गए हैं। सो या, अच्छा मेरे को एक और बात बताइए, कभी तो जी ऐसा होता होगा वंस इन अ व्हाइल कि एक लड़की आपकी गर्लफ्रेंड नाराज हो गई, चिढ़ गई, तो आप कैसे मनाते हो? फ्लावर्स लेते हो, खाना बनाते हो? ना 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 ना, we have seen her, you know, अभी नहीं, ये तो बहुत बार होता है। I think हर दो दिन में एक बार ये होता है कि मुझे इनको मनाना पड़ता है। कैसे? इन्होंने ही जवाब दिया था, खाना। You make good? No, I order. ले, इसमें क्या effort हो गया? अपने हाथों से खिलाते हो? वैसे बनाने जाए तो बहुत अच्छा बनाता है। Okay, what is the most romantic thing you have did for her? Most romantic thing I've done for her? Yeah. I think बहुत सारी चीजें हैं रोमांटिक। चलो एक बता दो, 13 साल, कम ऑन। 13 साल में एक बार, अभी वही हम मॉल्डीव्स गए थे एंड वी वर स्नॉर्कलिंग। अभी नहीं, काफी टाइम। हाँ, काफी टाइम हो गया। तो वी वर स्नॉर्कलिंग एंड अंडर वाटर मैंने इनके लिए एक गिफ्ट रखा था एंड वो मैंने उनको अंडर वाटर ही दिया। इट वाज अ टेनिस ब्रेसलेट। ही गिफ्टेड मी अंडर वाटर। ये सारी चीजें करता है ये, मतलब इसके थोड़े से ना जेस्चर्स बड़े ग्रैंड और अलग लेवल के होते हैं, अमीरों वाले होते हैं। अमीरो नहीं, बट इसके ना थोड़े से फिल्मी। तो ये इसने कोई पिक्चर से रेफरेंस निकाला, आज बता रहा है ना मेरे को। कौन सी पिक्चर से रेफरेंस निकाला ये? बाद में बताना। लेटर कैमरे पे नहीं। तो अभी मुझे भी रिवील कर रहा है, इसके रेवलेशन हुआ है अभी। As I tell me one thing, as you said कि आप कोर्ट मैरिज करना चाहते थे and इतना खूबसूरत शादी, I'm very much like, you know, it was so good to see कि मेरी शादी है ना, मुझे जैसे चाहिए मैं वैसे करूंगी, बाहर में जाओ तुम लोग। इट वॉज परफेक्ट एग्जाम्पल फॉर दैट। और मैंने नीचे जाके कॉमेंट भी किया था। अच्छा? कि हाँ, कि लाइक तो बहुत अच्छा लगा मुझे कि भाई मेरी शादी है ना, ऐसे ही चाहिए मेरे को, मैं यही करूंगी, तुम बाहर में जाओ। बट ना क्या होता है ना कि जब बात शादी की आती है ना, एंड ऑफ द डे थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली बात आ जाती है। एक ही चीज बदलता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी। कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी हुई है कि सुबह उठ के बेटी देना है, जगाना है, क्या करना है? नहीं, सो हमने काफ़ी, हमने डिसाइड किया कि हम डिवीजन करेंगे। तो जो कुक आती हैं, जैसे को समझो 8:45 तक आ जाती हैं, तो आई वेक अप टू गाइड हर, करण क्या खाएगा, मैं क्या खाऊंगी, वी आर ऑन अ डाइट। जो क्लीनिंग वाली आती हैं, करण तब तक उठ जाता है एंड ही टेक्स ओवर द क्लीन, सो ही टोटली शेयर्स ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटी। एंड वी बोथ हैव बीन पैम्पर्ड एट आर रिस्पेक्टिव हाउसेज, बट आई थिंक वी आर क्रिएटिंग द राइट बैलेंस टू हैव अ प्रॉपर मेकेनिज्म एट अ न्यू हाउस एंड ऑफ अस लिविंग इन टुगेदर। सो बहुत ही टचवुड एकदम सही तरीके से कर रहे हैं। थोड़ी इनिशियली आप सब, आप अब एक नया शो भी करते हो या कोई नया काम भी करते हो, तो आप देखते हो कुछ चीज़ें हिट होती हैं, कुछ चीज़ें मिस होती हैं। तो हिट्स एंड मिसेस के बीच में आप बैलेंस ढूंढ लेते हो, राइट? तो वो हम आई थिंक अब ढूंढ रहे हैं। एक महीना कल कंप्लीट होगा, वी आर क्वाइट गेटिंग देयर इन टर्म्स ऑफ सप्लाईज और रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो है, अब आगे जब जिंदगी में कोई बच्चे करेंगे वॉट एवर तो और बढ़ जाएंगी, तो होना तो है देखो, बट कब तक मम्मी पापा के छत्र छाया में रहेंगे? उन्होंने अपनी पूरी ड्यूटी निभा दी, जो हमें, हमारे लिए जो भी करना था कर लिया, अब इट इज आवर टाइम टू टेक ओवर, टेक चार्ज। करण जी, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी? जैसे इन्होंने बताया, इट्स एग्जैक्टली द सेम, कि कुछ डिपार्टमेंट इन्होंने संभाल लिया है, कुछ मैं संभालने की कोशिश कर रहा हूँ। हमें आदत नहीं है अपने अपने रिस्पेक्टिव घर में इतनी काम, ये तो फिर भी बहुत काम करती थी, आई हैव सीन हर एट हर हाउस, बट मुझे तो बिल्कुल ही आदत नहीं थी। एक स्पॉइल्ड चाइल्ड बोल सकते हैं मुझे, मम्मी पापा सब पैम्पर करके रखते थे,
बट या अभी समझ रहे हैं धीरे धीरे कैसे घर चलता है, कैसे गृहस्थी चलती है,